इन्फ्लामेटरी स्पीच यानी भड़काऊ भाषण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे केस को है अब अप्रैल 13 तक स्थगित कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से ये मांग थी कि और समय उनको मिले, सही वक्त नहीं है अभी कोई FIR दर्ज करने के लिए, उनको और समय चाहिए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए अप्रैल 13 तक इस मामले को अर्जन कर दिया है। दरअसल बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट की ही बेंच ने, जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय बर्बाद किया है FIR दर्ज करने में, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या पूरी दिल्ली जो है जल जाएगी उसके बाद आप FIR दर्ज करेंगे। तो ऐसे कड़े शब्द यूज़ किए थे दिल्ली पुलिस के लिए, और फिर कहा था कि आप जितने भी ऐसे वीडियो हैं जिसमें कोई भी नेता भड़काऊ भाषण दे रहा है वो सारे वीडियो आप देखिए, और जहाँ जहाँ केस बनता है वहाँ आप FIR दर्ज कीजिए, एक संदेश दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस जो है मींस बिजनेस, यानी पुलिस जो है कंट्रोल कर रही है सिचुएशन को। उसमें तीन प्रमुख BJP लीडर्स का नाम भी था जो कोर्ट में आया था, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर भी हैं, और कपिल मिश्रा साथ ही साथ, और बाकी पार्टियों ने भी जो इस केस में शामिल होना चाहा, उनका कहना था कि और नेताओं ने जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनकी तरफ से भड़काऊ भाषण थे। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि जिसने भी भड़काऊ भाषण दिया है आप उनके वीडियो देखें और आज स्टेटस रिपोर्ट दें हाईकोर्ट में कि आपने क्या एक्शन लिया और FIR दर्ज कीजिए उनके खिलाफ। लेकिन आज जो मामला जो था जस्टिस मुरलीधर के बेंच के सामने नहीं आया, उनका बुधवार शाम को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी को ये रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन कल रात ही केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेज दिया। तो ये केस फिर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस पटेल के सामने आया, उनकी बेंच के सामने आया, और वहाँ केंद्र ने ये मांग रखी कि अभी सही वक्त नहीं है। वही सेम बात जो कल दोहराई थी, उन्होंने कहा अभी सही वक्त नहीं है, अभी इसमें थोड़ा और पूरा एक छानबीन की और ज़रूरत है, तो इसमें और वक्त की ज़रूरत है, और उसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें समय दिया, और अब जो है पूरा केस जो है 13 अप्रैल को अब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ पिटिशनर्स का कहना था कि जब तक जितना डिले होता है उसकी वजह से जो हिंसा जो है, तनाव जो है बना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक संदेश दें, FIR दर्ज करें, सीधे केस बनता है उनके हिसाब से, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है केंद्र को समय दिया है और अब 13 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। दिल्ली हाई कोर्ट से सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।